नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो गया और इसमें लखनऊ भी शामिल है, जहां पर कई प्रभावशाली लोगों ने वोट डाला है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में वोट डाला। वोट डालने के बाद मायावती ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सरकार बनेगी। मतदान करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से कुछ नहीं है और उनको वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सपा मतलब गुंडा राज, माफिया राज होता है। समाजवादी सरकार के समय दंगे होते थे। सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बन रही। अखिलेश यादव नकली अम्बेडकरवादी हैं। अगर अखिलेश अम्बेडकरवादी होते तो हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों और स्थानों के नाम अपनी सरकार में न बदलते। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मायावती और बसपा पर दिए गए बयान के संबंध में मायावती ने कहा कि यह उनका बड़कपन है कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की है। लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 3 चरणों के मतदान हुए हैं, उसमें बीएसपी को सिर्फ दलितों और मुसलमानों के ही नहीं बल्कि ऊंची जाति के और पिछड़ी जाति के भी वोट मिले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी को वोट मिलेगा। मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। डाटा वोट बैंक उनके साथ जाएगा और मुस्लिम भी बड़ी संख्या में उनके साथ जाएंगे। यह सच नहीं है कि मायावती की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, अमित शाह जी ने मायावती की तारीफ की और मायावती ने अमित शाह जी की तारीफ की। ये दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार किसकी बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार। अमित शाह जी की तारीफ की। ये दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार किसकी बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।